Hello students, a very warm welcome for this particular session. In this particular session, we guys are going to talk about the analysis of NTA Abhyas Mock Test 5, that too specifically for Maths. Kaisa tha exam, kitna score banna chahiye kya the, kya expectation honi chahiye thi aapki is particular exam That is what we guys are going to talk about. And yes, as promised, we are increasing the frequency of the NTA Abhyas reviews. We will try to bring it upon a daily basis. So, according to me the mock test 5 of the nta abhyas app was the most scoring paper of the first five papers really really scoring in terms of जो मैं हर बार एनालिसिस करता हूं कि कितने आसान कितने मस्ट टू डू गुड अटेम्प्ट और डिफिकल्ट इनफैक्ट 50% ऑफ द पेपर फॉल्स अंडर द कैटेगरी मस्ट टू डू सो दैट मींस रियली अ वेरी वेरी हाई स्कोरिंग स्कोर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले बताएंगे आपका स्कोर कितना बना और टॉप फाइव डिफिकल्ट या चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपको कौन से लगे जिन्होंने आपको तंग करा इस पर्टिकुलर एग्जाम में वो मुझे बताएंगे और मैच करेंगे क्या मेरे डिफिकल्टी पैरामीटर्स के साथ वो मैच होता है या नहीं चलिए सो अकॉर्डिंग टू मी वट शुड बी अ गुड स्कोर बिफोर दैट हाउ वो दी पेपर रियली रियली हाई स्कोरिंग पेपर सो इवन इफ यू हैव स्कोर्ड लेट्स से 50% परसेंट पीपल हैव स्कोर्ड मोर देन 50 इन दिस पेपर

ये एनालिसिस करना एनटीए का काम है सो अ मस्ट स्कोर हैज इंक्रीज अप टू 45 जो पहले एक अच्छा स्कोर होता था 45 इस पेपर में मेरे हिसाब से आपका 45 शुड हैव बीन अ मस्ट टू डू कैटेगरी ऑफ अ स्कोर बिकॉज़ द 50% ऑफ द पेपर वाज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल इन दिस रिगार्ड एक अच्छा स्कोर इसमें मैं मानता 60 और एक 99 परसेंटाइल स्कोर समथिंग अराउंड शुड हैव बीन 80 80 प्लस

गुड अटेम्प्ट फंक्शन का क्वेश्चन था जबकि आपको एनसीआर में भी ऐसा क्वेश्चन है क्लास इलेवन में अगर आपको याद हो एक्स वाला मस्ट टू डू में नहीं डालता तो इज टू हो सकता है बहुत सारे लोग इसको यहां पर शिफ्ट कर दें अगला क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है उसकी वजह से हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं पर उतना घबराने की जरूरत नहीं अगर आप इनको वन डाल के टू डाल के चेक कर लेते वैल्यू टू इज टू अगला इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लॉलीपॉप क्वेश्चन एनसीआरटी से उठ के आ गया सीधा का सीधा थ्री इज टू टू रेशियो अगला देखो लिमिट्स, लिमिट्स का ये स्टैंडर्ड सवाल है। अगर आपको याद हो, आप लोगों करा हो, आपने 100 हो नहीं सकता कुछ मिलता जुलता करा होगा ना एक्स थ्री नहीं तो एक्स लगा लो यहां पर ठीक है कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करा होगा बिल्कुल उसी का भाई बंधु क्वेश्चन आ गया देखो सो आई वुड स्टिल काउंटेड एज अ गुड अटेम्प्ट बट शुड हैव बीन मस्ट डू कैटेगरी ठीक है अगला देखिए Binomial, binomial का ये वाला जो पैटर्न होता so, तो नहीं आया जैसे हम 4 की बात करें फोर्थ पेपर में देर वॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन बट हेयर नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ठीक है अगला देखिए क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन बन रहे हैं यार? मतलब ए स्क्र फोर ए टेन आए और मेट्रिक्स भी कैसा दिया है मेट्रिक इज नथिंग टू क्रॉस टू सो मेट्रिक्स इज वेरी इजी फोर इज टू 4 रेशियो चल रहा है स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी पे बढ़ती पे बढ़ती जा रही है हम लोगों की अखला जो क्वेश्चन था ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था माउस वाला देखा जाए इसको मैं डिफिकल्ट डाल रहा हूं बिकॉज इट जस्ट डिफिकल्ट टू रीड दी क्वेश्चन अदरवाइज क्वेश्चन में डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं है स्ट्रेट लाइन का सवाल है ज्यादा डिफिकल्ट वैसे भी नहीं हो सकता स्ट्रेट लाइन बट सिंस समथिंग न्यू दैट इज वाई एम शिफ्टिंग इट टू डिफिकल्ट फोर इज टू फोर इज टू वन देन मीडियन इनसे इंटरसेक्ट एंड ब्ला 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 देखा जाए थोड़ा सा ट्रिकी था सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बार बार पूछ रहा है फॉर्मले लगाने पड़ रहे हैं फोर इज टू टू इज टू टू डिफिकल्टो थ्री क्वेश्चन में हो सकता है डिफिकल्ट so, है यू डोट है इनफैक्ट बहुत सारे नहीं बोलना चाहिए आप ये बात बच्चों समझो लोगों But, जिन लोगों ने यूलर फॉर्म करियोगे उनके लिए गुड अटेम्प्ट में चला जाएगा बट जिन लोगों ने यूलर फॉर्म नहीं आते जो यू लोग यूलर फॉर्म को ढंग से यूज करना नहीं जानते हैं उनके लिए एक्चुअल में डिफिकल्ट सवाल है दट इज वेयर यू सेग्रीगेट योर सेम

एरिया के जनरली अभी तक लास्ट चार पेपर जो हमने देखे तो उसमें लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहे थे uh, नहीं लास्ट चार नहीं पहले दो में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए थे अगले दो में लॉलीपॉप आए यहाँ पर वापस से अच्छा सवाल आया तो गुड अटेम्प्ट कैटेगरी सेवन सिक्स थ्री अगला देखिए पहली बार चलिए वेक्टर थ्री आया पांचवें पेपर में आया बट वैक्टर थ्री डी चलिए एटीन क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन नाइन सिक्स थ्री अगला देखिए अरे बाबा अरे बाबा रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव ये तो हमेशा ही आसान होते आए हैं और कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना उनके ऊपर देख देख रहे हो, रेशो देख रहे हो हो कहां टिल्ट होता जा रहा है अभी तक हमने जितने पेपर्स ऑब्जर्व करे थे वो तो जनरली क्या होते थे नाइन एट एट रेशियो ठीक है ऑलमोस्ट बैलेंस आउट करने का रखता था यहाँ ये ही अलग चले जा रही है नोटिस करो ट्वेंटी क्वेश्चन एनसीआरटी का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पक्का आप लोगों ने करा हुआ होगा इलेवन सिक्स थ्री अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ठीक है क्वाड्रेटिक जनरली डिफिकल्ट आती है वो यहां पर पैटर्न हुआ कि क्वाड्रेटिक अभी भी डिफिकल्ट है सो लेट्स कॉल इट डिफिकल्ट इलेवन सिक्स अगला आया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लंबा सवाल है सिर्फ इसीलिए गुड अटेम्प्ट में डाला अदरवाइज क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है सिंपल सवाल था इसलिए गुड अटेम्प्ट बट स्टिल कई लोगों का क्या होगा परम्यूटेशन वीक होगा वो इसको डिफिकल्ट में डाल देंगे जिन लोगों का अच्छा होगा वो इसको इधर डाल देंगे इज मेजॉरिटी विल फील ठीक है मस्ट टू डू नहीं कहता मैं कभी भी पीएनसी हो क्योंकि जनरली हम लोगों का बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं होता है एंड अगेन आई एम टॉक विस्पेक्टिव ऑफ नाइन परसेंट ऑफ द ऑडियंस राइट नॉट जस्ट दी टॉप वन परसेंट अगला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा जाए बहुत सारी जनता फिर मेरे से डिसग्री करी बोले सर यह तो बहुत आसान था मस्जू था और स्पेशली मैंने जितना नोटिस करा एमओजी जो बच्चे हैं उनकी यार मैथ्स तो अच्छी बोलेंगे तो तो अगला देखिए डी बाई बाई डी एक्स क्या यार मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था आपकी एनसीईआरटी ऑलमोस्ट इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछती है तो 24 में से 12 क्वेश्चन 24 में से 12 क्वेश्चन आप लोगों के कैटेगरी में थे जो सिर्फ ट्वेल्थ के बेसिस पे आप लोग निकाल सकते थे very, very और देखा जाए अगला भी एओडी का सवाल आया रेट ऑफ चेंज का सवाल आया थर्टीन सो दर दर एक्चुअली मिसेज आउट ट्वेंटी राइट सो आप नोटिस करो जब ऐसा पेपर आ जाता है तो क्या होता है बिकम्स वेरी हाई स्कोरिंग आप अब एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ऐसा पेपर तो आएगा नहीं ये तो ऐप बेकार है हम क्या दूसरे पे चले जाएं मेरा सजेशन अभी भी ये है डू नॉट मूव फ्रॉम दी एप काइंड ऑफ पेपर वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन जब एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है क्यों आपके सेशन में हो सकता है जब आपका सेशन हो पेपर अननेसेरली आसान आ जाए सो यू आर एक्चुअली गेटिंग ट्रेंड दैट इफ यू है आप इंपैक्ट समझो कितना बुरा पढ़ने वाला है क्यों

पर कई बार क्या होता है हम एंग्जाइटी में खुश हो जाते हैं बहुत अरे आसान आसान क्वेश्चन आ गया और उसी में सिली सिलियर वी स्टार्ट कमिटिंग इफ यू डू दैट काइंड ऑफ एंड इफ यू डू नॉट गेट द स्कोर और लेट्स ए सिक्सटी काइंड ऑफ अ स्कोर बिकॉज ऑफ योर सिली सिलियर इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू वेरी वेरी हाई सो दीज काइंड ऑफ पेपर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन इनको ऐसा मत सोचिए कि बेकार है क्योंकि आसान आ रहा एवरी पेपर इज इंपॉर्टेंट वेदर इट इज इजी मॉडरेट और टफ बिकॉज इट टीचेस यू समर दर लिसन सो टू मेक श्योर एरर अपन लोग नहीं करेंगे अगर हम लोग सिली एरर्स कर रहे हैं तो दैट मीन वी आर लूजिंग आर रैंक बाय वेरी बिग मार्जिन क्योंकि आसान क्वेश्चन पर अगर आप गलत कराए तो आपकी रैंक जो एक या दो हजार से पीछे होनी चाहिए वो नहीं तीन या चार हजार से पीछे चली जाएगी तो ये बात याद रखनी है तो इज द मिनिमम बट आई एज्यूम दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विच आर गुड एट मैथ्स ठीक है

उट लॉस ऑफ एंथम सो इवन इफ यू नॉट बी स्कोर डिजायर की सर पैंतालीस तो मेरा बना नहीं मैं तो सिर्फ अभी भी पच्चीस पे बैठा हूँ तो आपको घबराना नहीं है आपके अभी भी पास चालीस दिन है हिम्मत मत हारिए लगे रहिए डटे रहिए जब तक आप हार नहीं मानते हैं तब तक आपकी हार नहीं होती है सो द डे यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई है डे बैटल the So there is नो पॉइंट इन फाइटिंग that बैटल राइट right? So लगे रहिए लड़ते रहिए होगा जरूर कि जब तक हम में मॉक टेस्ट एनालिसिस में पहुंचेंगे आपका मार्क्स बढ़ चुके होंगे वन बे सी ऑल पेपर फोड़ना है यार कुछ भी हो जाए है ना पेपर फोड़ना है